तो लोग इधर माता का दर्शन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते जाते हैं। यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, कल्चर है। हेलो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर ले और एंजॉय करें मेरे सारी वीडियोज। और हाँ, वीडियो देखने के साथ लाइक करें वीडियो को और भाई को अपना प्यार दें। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम हियर इन गुजरात नाउ। सो कैसे कैसे तो आ गया मैं यहाँ पे, और आज टाइम है, निकलने का टाइम है, आज हम करेंगे रिटर्न। तो लास्ट ब्लॉग में बोला था ना, फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ दोनों का लेके ही जाऊंगा मैं। सो फर्स्ट वाइफ अंदर है, सेकंड वाइफ उधर। वेलकम बैक टू विल्सन एक्स। तुमको लेने के लिए मैं कितना तकलीफ करके आया हूँ पता है तुमको? हैं, आओ देखो, तुमको दिखाता हूँ। तो हम अभी घर से निकल गए, घर से निकल के थोड़ी दूर 40 किलोमीटर कुछ 45 किलोमीटर हम आ गए और हम पहुंचे अभी महालक्ष्मी टेम्पल। जो लोग महाराष्ट्र से होंगे ना, उनको पता होगा महालक्ष्मी टेम्पल जो है बहुत फेमस है। मतलब ऊपर भी आप पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी टेम्पल है। और यहाँ ये रोड से ना कई बार गया हूँ। अरे वो है क्या? अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी से निकल के। और ये आ गई मैडम अपने, अभी अकेले नहीं है हम, दुकेले हैं, दुकेले उनको चढ़ाने के लिए। कमल का फूल है कि कौन सा? कमल का फूल है। कमल का फूल लेके आया, भगवान को ही चढ़ाया जाता है। नारियल एक ले लो, ये लंबा वाला ले लो, ये लंबा वाला ले। ये चढ़ाते हैं, चढ़ाते कि सबके बाद माथा वाले वो भी बंद है। हम लोग अभी देखो मंदिर है, मंदिर के अंदर चप्पल रख के हम एंट्री कर रहे हैं अभी। इधर से डायरेक्ट है ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि कहाँ से ये सब बैरिकेड लगा है ना, कहाँ से एंट्री किया है, थोड़ा डाउट आ रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का मार्किंग है। नया मास्क और रेड टी शर्ट में तो बढ़िया लग रहा हूँ मेरा, मंदिर में एकदम सुइटेबल। तो ये अपना लक्ष्मी माता का टेम्पल और यहाँ पे शनि देव। मतलब बहुत दिन से इच्छा थी यहाँ पे आने का है। और एक है शिरडी साई जो अभी तक नहीं जा पा रहा हूँ मैं, मास्क में कुछ खास नहीं लग रहे। हाँ ऐसा ठीक है। ये जो टेम्पल है दहानू में है और ये आपको जो बॉम्बे और अहमदाबाद अब जा रहे हो ना तभी ये टेम्पल आता है हाईवे में। तो ये जो टेम्पल है कोली किंग ने बनाया था, उनका नाम था जयवा मुखने। 1306 में ये टेम्पल बनाया गया था। बहुत ही पावरफुल टेम्पल है महालक्ष्मी माता का। और जब नवरात्रि होता है यहाँ पे बहुत दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, बहुत धूमधाम से बनाया जाता है यहाँ। कम मीठा वाला? हाँ। ज्यादा मीठा वाला कौन सा है? ज्यादा मीठा नहीं है, खाली बस खाली ऐसा शुगर फिर लगा के रखे और कुछ नहीं है लोगों को खींचने के लिए बस। लेने के लिए मैं देखो किधर जा रहा हूँ, पीछे
घर के पीछे वो जो टेम्पल दिख रहा है ना, वो है मेन, उसके ऊपर आप चढ़ के जाना पड़ेगा। मोबाइल में शूटिंग कर रहा हूँ तो ये जो है ना, ये मेन टेम्पल है, वो टेम्पल है, उधर से जाना पड़ेगा आई थिंक ना। और उसमें कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, ऐसा नॉर्मल सीढ़ी बनाया नहीं है, बोला चढ़ के जाना पड़ेगा, ट्रेकिंग ट्रेकिंग करना पड़ेगा, जंगल है। बियर शॉप है? अरे यार, ये अल्कोहल है इसमें? अल्कोहल वाइन है? नहीं, अल्कोहल बेस है इसमें, अल्कोहल है। ये बियर का शॉप है? अच्छा, पता नहीं चला। ये अपना गाड़ी पार्किंग, इधर ज्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत भीड़ होता है, लेकिन अभी हमारी किस्मत अच्छा है कि भीड़ नहीं है। सो ये साइड आप वापिस सूरत जाओगे और ये साइड जो है ना मुंबई जाओगे। तो ये जो ऊपर जो हाईवे है वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे बोलते हैं। तो हम मुंबई की तरफ जाएंगे, लेकिन उधर ब्रिज के नीचे से होते हुए क्रॉस करेंगे, फिर हम मतलब आगे से राइट टर्न लेंगे, फिर हम ये साइड जाएंगे, मतलब पीछे जाएंगे। अभी ऐसे आगे जा रहे हैं ना, ये सूरत की तरफ है, हम सूरत से अभी रिटर्न जा रहे हैं मुंबई की तरफ। देखो यहाँ पे किधर भी देखोगे ना आपको बियर सब, चिकन ढाबा ये सब मिलेगा। ताड़ है, ताड़। देखो बियर शॉप में हम लोग यहाँ पे एक स्टोर में गए, छोटी सी लड़की बैठी थी, उनका खुद का दुकान है, बियर शॉप है, राज बियर शॉप। देखो किधर भी एक बियर शॉप है, तो लोग इधर माता का दर्शन करते हैं, थोड़ा दबा के पीते हैं, खाते भी है ना, खाते पीते मौज करते जाते। यहाँ पे है ही ऐसा, पर यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, कल्चर है। और ये जो जगह है ना, आप ऐसा देख रहे हो ना, ये पूरा भरा रहता है गाड़ी पार्क करके यहाँ पे खुद। तो ये हम आगे हाईवे में देखो घुमा के, तो चलो अभी सेफ ड्राइविंग करेंगे मोबाइल रख के। अरे थोड़ा आगे जाके वड़ा पाव खा लेंगे, ठंडा हो जाएगा, मतलब लोग दारू वारू पी के एंजॉय करते हैं, हम वड़ा पाव खा लेंगे। ऑलरेडी वड़ा पाव लाया, पीछे की सीट पे पड़ा हुआ है, ठंडा हो जाएगा, तो हम साइड पे रख के खा लेते हैं। मतलब बॉम्बे पहुंचो वड़ा पाव से शुरू करो, जाओ भी वड़ा पाव से खत्म करके, क्योंकि आगे मिलेगा नहीं ना। वड़ा मिल जाएगा, लेकिन जो पाव का टेस्ट है ना, जो खुशबू है ना, वो नहीं मिलेगा रे भाई, हम दुनिया ढूंढ लिए, नहीं मिलता। अभी ये वाला शूटिंग करने के लिए वड़ा पाव खा रहा हूँ, उसे शूटिंग करने के लिए मोबाइल 3 बार गिरा नहीं दिया। बड़ा पाव है, जबरदस्त। किसने बनाया, इन्वेंटर कौन है इसका? बड़ा तो मिल जाता है पाव, ये पाव नहीं मिलता, और ये बिना पाव के बड़ा पाव मजा नहीं है, दिल से बोल रहा, सच्ची बोल रहा। ओके चलो अभी चलेंगे, वो टेम्पल देखो उधर से दिख रहे है, बड़ा पाव दो दो पीस, दो दो पीस बोलेंगे ना, बोल सकते, दो दो पीस खा लिए। अभी हम रुके तो हमारे पीछे और एक गाड़ी रुका, उसमें भी मतलब फैमिली है, तो ऐसा ही होता है ना, मतलब हम कहीं पे रुकते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी गाड़ी अभी उधर रुके हुए हो, थोड़ा तो सेफ्टी फील होता है। तो ये सामने आप तो देख रहे होंगे रास्ता, तो मुंबई अहमदाबाद हाईवे, तो आज तो हम जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे हम। यहाँ पे बहुत सारा ब्लॉग बनाना था लेकिन बना नहीं पाए, क्योंकि जाना भी है तो टाइम हमारे पास नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो भी हम रास्ते में देखेंगे उसका ब्लॉग बनाएंगे और आपको एक अच्छा वीडियो देंगे कि आप भी एंजॉय कर सकें। सो भाई चलो अभी रास्ते को फोकस करते हुए आगे चलते हैं, और कुछ आए तो फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं। और पेट तो भर गया है दवा के, क्योंकि घर में 3 रोटी खा के आया था और अभी बड़ा पाव भी खा गया। यहाँ पे भी मंदिर में दर्शन किए तो कुछ टाइम ऑलरेडी हम स्पेंड कर लिए, निकल गया टाइम अपना, अच्छा खासा टाइम, दर्शन भी अच्छा हो गया। तो चलो ये बढ़िया सा रोड जो है सामने, ये रोड को एंजॉय करेंगे और थोड़ा ड्राइव सेफली करेंगे और निकल जाएंगे।
पीती क्या बियर? पी लो, जोश आ जाएगा बॉडी में। बियर मतलब ऐसे हैदराबाद तो एक घंटे में।